हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ परे इनोवेशंस। आज हम देखने वाले हैं कि सोफिट सीलिंग एंड वॉल सिस्टम्स का परफेक्ट इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स इमीडिएटली मूव ऑन टू दैट। सोफिट में इंस्टॉलेशन के जाने के पहले सोफिट की थोड़ी बातें कर लेते हैं। सोफिट हमारे पास 10 शेड्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वॉलनट, वेदर्ड ग्रे, बर्च, मेपल वुड, गोल्डन ओक और फाइनली पाइन वुड शेड्स में। ये 6 वुडन शेड्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल 4 मोनो कलर या हमारी यूनिकलर सीरीज में अवेलेबल है, जैसे कैरमेल हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया और वाइट। आपके सोफिट प्लैंक्स सीलिंग और वॉल एप्लीकेशन पे यूज हो सकते हैं। हमारे पास इसमें 2 स्टैंडर्ड साइज है। एक साइज है अप्रोक्सीमेटली 10 फुट बाय 1 फुट का साइज और दूसरा साइज हो गया 13.5 मतलब 13.5 फुट बाय 1 फुट का साइज है। अभी सोफिट इंस्टॉलेशन में एक की कंपोनेंट रहता है आपका इंटरलॉकिंग, आपके सोफिट प्लैंक्स का इंटरलॉकिंग, जिससे एकदम सीमलेस लगता है। तो सोफिट प्लैंक इंटरलॉकिंग करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये पोजिशन पे सोफिट रख दीजिए। अभी ये पोजीशन पे आ गया, उसके बाद एक प्लैंक आपको पुल करना है और दूसरा प्लैंक आपको पुश करना है जब तक आपको क्लिक नॉइज ना आए। जैसे क्लिक नॉइज आ गया, परफेक्टली इंटरलॉक हो गया है और अभी ये देखिए एकदम सीमलेस लगता है एक बार इंटरलॉक हो गया उसके बाद। अभी इंटरलॉकिंग के साथ ही साथ आपको प्रोफाइल्स की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इंस्टॉलेशन एकदम आसान करने के लिए 4 प्रोफाइल्स है। ये जे प्रोफाइल हो गया, ये टी प्रोफाइल हो गया, ये आउटसाइड ट्रिम और ये इनसाइड ट्रिम, ऐसे हमारे पास 4 प्रोफाइल है। अभी जे प्रोफाइल की बात करते हैं, बाकी 3 प्रोफाइल की बात बाद में करते हैं। जे प्रोफाइल आपके एरिया के चारों साइड्स पे लग जाता है और बाद में सोफिट उसमें इजिली, जैसे देखिए, इजिली माउंट हो जाता है। सोफिट इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है और कोई भी कर सकता है, जैसे हम आगे बताएंगे। अभी इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। आज हम सोफिट सीलिंग पे भी नहीं वॉल पे भी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं, पर पहले शुरुआत सीलिंग से करते हैं। सीलिंग में इंस्टॉल करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हो गया आपका फ्रेमिंग। अभी फ्रेमिंग यूजुअली आपका GI का या एल्यूमिनियम का बना रहता है, बट उसमें एक चीज इसका ध्यान रखना है हमें कि वो ग्रिड या क्रॉस सेक्शन का साइज क्या रख रहे हैं हम, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शन या ग्रिड का साइज हमने बड़ा कर दिया जरूरत से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा छोटा कर दिया तो फ्यूचर में थोड़ी तकलीफें हो सकती है। इसीलिए हम सोफिट इंस्टॉल करने के लिए 3 फुट बाय 1 फुट का यूजुअली फ्रेमिंग रेकमेंड करते हैं। हालांकि आपके पर्यावरण देख के, आपका रिक्वायरमेंट देख के, आपका एरिया देख के, आपके जो लोकल इंस्टॉलर रहेंगे वो आपको बेस्ट एडवाइस कर पाएंगे कि कौन सा क्रॉस सेक्शन या ग्रिड के साइज में जाना चाहिए। आपका ग्रिड भी बनाना बहुत आसान है, आपने जो साइज डिसाइड किया है वो साइज की GI ट्रैक लेके खाली स्क्रू करना है हमें। सोफिट इंस्टॉल करने के लिए आपको ट्रेंड इंस्टॉलर की भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली कोई भी इंस्टॉलर जो POP कर रहा है, जिप्सम बोर्ड कर रहा है, PVC पैनल कर रहा है या मिनरल फाइबर कर रहा है या अन्य और प्रोडक्ट कर रहा है जिसमें GI ट्रैक या एल्यूमिनियम ट्रैक की जरूरत रहती है, वो भी आपका सोफिट इंस्टॉल कर पाएंगे क्योंकि इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अभी आपकी फ्रेमिंग रेडी हो गई है तो स्टेप 2 के तरफ जाते हैं। स्टेप 2 में आपको आपके प्रोफाइल्स इंस्टॉलेशन करने हैं। तो प्रोफाइल्स में जे ट्रिम या जे प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। जे प्रोफाइल आपके एरिया के चारों साइड पे लगना चाहिए क्योंकि उस पे ही सोफिट माउंट होगा। जे ट्रिम आप जो टोनालिटी का सोफिट चूज कर रहे हैं वही सेम टोनालिटी में अवेलेबल होगा। तो जे ट्रिम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको आपके साइड का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से जे ट्रिम का कटिंग करना पड़ेगा आपको। अभी कटिंग भी बहुत आसान है, आपके एक्सो ब्लेड या नॉर्मल हैंड ग्राइंडर से इजीली कट हो जाता है। एक बार कट हो गया तो उसके बाद आपको एजेस के लिए कातरा मारना पड़ेगा जे ट्रिम के लिए। कातरा या आपको
आसान भाषा में बोले तो आपको जे ट्रिम को एक एंगल में, उसके एंड एंड वाले जे ट्रिम को एंगल में कट करना पड़ेगा तो दूसरे जे ट्रिम के साथ जैसे यहाँ पे दिखाया सीमलेसली मैच हो जाए, तो वन पीस लगे। एक बार वो हो गया तो बारी आती है स्क्रूइंग की। जे ट्रिम को सिंपली हमें जी आई ट्रैक पे रखना है और जहां स्पेस दिए गए हुए हैं वहां पे स्क्रू करना है जी आई ट्रैक पे, एट रेगुलर इंटरवल पे स्क्रू करना है। ये एक बार रेडी हो गया तो ये आपके हर एक साइड पे आपको रेप्लिकेट करना है। एक बार रेप्लिकेट हो गया तो जे ट्रिम आपके जी आई ट्रैक पे हर एक साइड पे जैसे यहाँ दिखाया गया है वैसे इंस्टॉल हो जाना चाहिए। एक बार ये हो जाता है तो हम स्टेप थ्री के लिए रेडी हो जाते हैं। स्टेप थ्री सबसे आसान प्रोसेस है। यहाँ पे हम सोफिट पैनल्स हमारे प्रोफाइल्स पे फिट करने वाले हैं। अभी सोफिट प्रोफाइल्स को पैनल पे फिट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपको सोफिट आपके मेजरमेंट के हिसाब से कट करना पड़ेगा। तो सोफिट पैनल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बहुत ईजी है कट करने के लिए। एक बार कट हो गया बाद में सिंपली आपको सोफिट पैनल लेना है और आपके प्रोफाइल में यहाँ जैसे दिखाया गया है वहाँ वैसे फिट करना है। तो पहले आप फिट करोगे तो तीन साइड्स पे फिट होंगे। एक बार फिट हो गया आपका पैनल उसके बाद आपको पैनल को स्क्रू करना है जी आई ट्रैक में। स्क्रू प्लीज ध्यान रखिएगा कि स्क्रू आपका हमेशा जो गैप दिया गया है, जो स्पेस दिया गया है उसके बीच में ही आना चाहिए जैसे यहाँ पे दिखाया है। एक बार आपका पैनल स्क्रू हो गया तो जहां जहां आपका पैनल जीआई ट्रैक के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है या मैच हो रहा है वहां पे स्क्रू करना है। एक बार स्क्रू हो गया तो वापस दूसरा सोफिट का पैनल लीजिए, आपके अप्रोक्सीमेट साइज में कट करिए और बाद में इंटरलॉक करना है पहले सोफिट पैनल पे। पहले सोफिट की तरह हमें इंटरलॉक करना है और बाद में स्क्रू करना है जहां जहां जीआई ट्रैक में मिल रहा है, और ये सेम प्रोसेस फॉलो करते जाना है जब तक पूरा एरिया पे सोफिट नहीं लग जाता जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये रहा आपका सोफिट का फाइनल लुक सीलिंग में इंस्टॉल होने के बाद। अभी हम बात करते हैं सोफिट ट्रिम्स की, जो हमने स्टार्टिंग में बात नहीं की थी। शुरुआत करते हैं टी प्रोफाइल से, या उसको कनेक्टर प्रोफाइल भी बोला जा सकता है। टी प्रोफाइल तभी काम में आता है तभी आपका सोफिट का लेंथ खत्म हो जाता है तो दूसरे सोफिट के पीस के साथ ज्वाइन करने के लिए टी प्रोफाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे आप ये देख सकते हो बहुत आसान है ज्वाइन करने के लिए, और इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको टी ट्रिम जगह पे रखना है और डायरेक्टली आपके जी आई ट्रैक या एल्यूमिनियम ट्रैक पे स्क्रू कर देना है। अभी हम बात करते हैं आउटसाइड ट्रिम की या आउटसाइड एल प्रोफाइल की। ये प्रोफाइल आपके सीलिंग या वॉल एप्लीकेशन में जब भी एल शेप का कोई स्ट्रक्चर आया है, फॉर एग्जांपल दो हाइट की सीलिंग हो गई या आप वॉल एप्लीकेशन पे लगा रहे हो तो कोई पिलर आ गया या ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन आ गया, कोई भी एल शेप का स्ट्रक्चर आ गया वहां पे यूज करना है तो सिंपली आपको ये प्रोफाइल वो आपके एल शेप के स्ट्रक्चर पे रखना है, स्क्रू कर देना है जहां पे जगह दी गई है और डायरेक्ट सोफिट फिट कर देना है इसमें। सिमिलरली हमारे पास इनसाइड एल ट्रिम भी है जो आपको इनसाइड एल के जैसे कोई स्ट्रक्चर आया है वहां पे इंस्टॉल करने के लिए, उसका भी इंस्टॉलेशन सिमिलर है। डायरेक्ट आपका जो जहां पे स्ट्रक्चर आया वहां पे ट्रिम रख देना है और जैसे आप देख सकते हो स्क्रू करके सोफिट फिट कर देना है। अभी तक हमने सैकड़ों चीज देखी, हमने सोफिट इंस्टॉलेशन देखा, हमने ट्रिम्स कहां पे और क्यों इस्तेमाल करना है वो देखा। अभी हम देखते हैं कि सोफिट वॉल पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपको याद हो तो सोफिट सीलिंग पे इंस्टॉल करने के लिए तीन स्टेप्स थे। पहले था हमें फ्रेमिंग बनाना था, दूसरा प्रोफाइल्स लगाना था और तीसरे में सोफिट खुद फिटिंग करना था। वॉल इंस्टॉलेशन में भी ऐसा ही कुछ है। वॉल इंस्टॉलेशन में हमें फ्रेमिंग की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास फ्लैट और स्क्रूएबल वॉल है, ऐसा वॉल है जहां पे इजीली स्क्रू हो सकता है और फ्लैट है जिसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, ज्यादा अंडुलेशन नहीं है, तो फ्रेमिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर जाते हैं स्टेप टू के तरफ। स्टेप टू में आपको आपके चारों साइड्स पे जे ट्रिम लगाना है, प्रोफाइल्स लगाने हैं, और जैसे सीलिंग पे किया था वही वैसे ही ये प्रोफाइल्स आपको स्क्रू कर देने हैं वॉल पे।
और इसके बाद हम देखते हैं स्टेप थ्री में, जहां पे आपको एक्चुअल सोफिट इंस्टॉल करना है। सीधा आपको प्लैंक फिट करना है और डायरेक्ट थ्रू करके नेक्स्ट प्लैंक इंटरलॉक करिए, और यही प्रोसेस आप इंटर रिपीट कर दीजिए जब तक आपका पूरा वॉल कंप्लीट नहीं हो जाता है। और दोस्तों, ये रहा हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आप सोफिट सीलिंग पे और वॉल पे बहुत आसानी से कैसे लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक रुकने के लिए। होप आपको सोफिट इंस्टॉल करना आ गया हो। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।